हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेणुकास किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं ड्रम स्टिक फ्राई शेंग की लकड़ी। शेंग की लकड़ी का जो ऊपर का छिलका है हमें निकाल लेना है और इसे 5 मिनट के लिए हम पानी में भिगो कर रखेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसका पानी निकाल लेंगे। ये हमने पानी निकाल लिया है। अब मसाले में हम डालेंगे मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, और स्वाद अनुसार नमक। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि शेंग की लकड़ी में जो है मिर्च मसाला अच्छे से लग जाए। ये हमने मिक्स करके रख लिया है। अब चाहो तो थोड़ा हाथ में तेल लगा कर भी इसे मिक्स कर सकते हो। अब इसे साइड में रख देंगे और यहाँ पे मैंने लिया है रवा। रवा करीबन यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून रवा लिया है। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर डालेंगे। पहले से हमने ड्रम स्टिक में भी मिर्च पाउडर डाला हुआ है, इसीलिए इसमें हम कम डालेंगे। मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक एक करके सभी ड्रम स्टिक को लगा कर लेना है। किस तरीके से लगाना है मैं आपको बता देती हूँ। इसी तरीके से आपको सभी ड्रम स्टिक में रवा लगा कर लेना है। अभी फटाफट हम सभी ड्रम स्टिक को रवा लगा लेते हैं। ये हमने सभी शेंग के लकड़ी को रवा लगा लिया है। अभी यहाँ पे हम लेंगे थोड़ा सा बेसन। बेसन यहाँ पे मैंने करीबन 2 चम्मच बेसन लिया है। अभी सभी ड्रम स्टिक को हम बेसन लगा लेंगे। इस तरीके से बेसन लगाने से हम जो तेल में फ्राई करते हैं, फ्राई करते वक्त रवा जो है तेल में छूटेगा नहीं, और बेसन का कोटिंग देने से रवा भी आपका शेंग के लकड़ी में वैसे ही रहेगा और बेसन भी लगा रहेगा और आपका तेल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। थोड़ा टाइम जाएगा पर यह ट्रिक बहुत अच्छी है। आप अपने घर पर इसी तरीके से बनाइए ताकि तेल ख़राब ना हो। अभी हम सब ड्रम स्टिक को इसी तरीके से बेसन लगा लेंगे, फिर इसे फ्राई कैसे करना है मैं आपको बता दूँगी। मेरे और भी वीडियोस आपको चाहिए तो आप YouTube चैनल पे जाके देख सकते हो।
इसी तरीके से सभी ड्रमस्टिक में हमें बेसन लगा लेना है। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आपका और भी कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो आप वो भी मुझे बता सकते हो, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि वो चीज़ आपको दिखा दूँ। अभी हम गैस ऑन करते हैं और ड्रमस्टिक फ्राई करते हैं। तवा जो है हमारा गर्म हो चुका है, अब डालेंगे इसमें तेल। तेल को भी हम थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अभी एक एक करके सभी ड्रमस्टिक हम इसके अंदर डालेंगे। और फ्राई करते वक्त ध्यान रखें गैस जो है हमें धीमी आंच पर रखना है। ड्रमस्टिक जो है अंदर तक अच्छे से पक जाए। अगर आप गैस फास्ट रखोगे तो बाहर से तो आपको पका हुआ दिखेगा पर अंदर से ड्रमस्टिक जो है पका नहीं रहेगा, इसीलिए धीमी आंच पर रख के हमें फ्राई करना है। एक तरफ से हमारा ड्रमस्टिक जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसे हम पलट लेंगे दूसरी तरफ। एक एक करके इसी तरीके से हमें ड्रमस्टिक को पलट लेना है। आप लोगों को मेरी रेसिपी सच में अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अभी हमारा ड्रमस्टिक जो है बनकर रेडी है, आपको मैं परोस कर दिखा देती हूँ। शेंग की लकड़ी हमारी अच्छे से पक चुकी है, अभी हम गैस ऑफ कर देंगे। ये देखिए, आप एक बार इसे बना के खाओगे तो 100% मैं आपको कह सकती हूँ कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। यहाँ पे हमने टिश्यू पेपर लिया है, एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। ये हमारा ड्रमस्टिक रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।